आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी और पालक के बढ़िया से मज़ेदार कुरकुरे पकोड़े की रेसिपी। पालक और मेथी की सीजन स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा कि तो क्यों ना आज गर्मा गर्म मसालेदार पकोड़े बनाए जाए। नमस्कार, मैं हूँ संगीता वसोया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी पालक ली है, जिसे बारीक काट के साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। 1 कप फ्रेश बारीक काटी हुई हरी मेथी ली है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरे प्याज लिए हैं, जिसे बारीक काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कम तीखी वाले 2 से 3 हरी मिर्ची ली है, जिसे भी मैंने बारीक काट लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बारीक काटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 3 से 4 तीखी वाली बारीक काटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1 बारीक काटे हुए प्याज ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच बेसन ऐड करेंगे। एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे। स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। सारी चीज़ों को हम सुखाए हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें स्टार्टिंग में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पालक, मेथी और प्याज में भी पानी होता है, जो इन सब्जियों के नेचुरल पानी से ही, जो ऑलरेडी इसमें होता है, उसी से ही बेसन बाइंडिंग होने लगता है। मुझे इसमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है, इसीलिए मैं 1 चम्मच इसमें बेसन और ऐड करूँगी। बेसन डालने के बाद और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पकोड़े के मिश्रण में हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। एक साथ में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी डालने से मिश्रण पतला हो सकता है। मुझे अभी थोड़ा मिश्रण गाढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा पानी इसमें और ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हाथों से मिलाने के बाद पकोड़े बनाने के लिए मिश्रण हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। मिश्रण हमारा सेट होता है तब तक हम पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। गरम ऑयल में से 1 चम्मच ऑयल लेके पकोड़े के मिश्रण में डालेंगे। गरम ऑयल को मिश्रण में चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद मिश्रण हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है पकोड़े बनाने के लिए, और पकोड़े फ्राई करने के लिए ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेके पकोड़े का शेप देते हुए पकोड़े को हम फ्राई करने के लिए गर्म ऑयल में डालेंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप पकौड़ा बनाएं तो ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। इसी तरह से हम पकोड़े का शेप देते हुए एक एक करके कढ़ाई में जितने पकोड़े आए उतने हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। पकोड़े कढ़ाई में डालने के 1 मिनट बाद हम इसे पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पकोड़े को पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि पकोड़े अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। पकोड़े को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हैं पकोड़े में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अंदर से भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे बहुत ही टेस्टी और कलरफुल बने हैं। अब हम इसे निकाल के पेपर के ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए।
बचे हुए सारे मिश्रण के हम इसी प्रकार पकोड़े बना के फ्राई करेंगे। तो तैयार है हमारे पालक और मेथी के गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो गर्मा गर्म पकौड़े को आप इंजॉय कीजिए आपकी फैमिली के साथ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी नई नई मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।